हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया ना? देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको यहां पे छोड़ा था, आप याद कीजिए। आप छोटे-छोटे बच्चे हैं, छोटी-छोटी क्लासेज। आप जैसे बड़े होंगे मैं बड़ी-बड़ी क्लासेज आपके साथ करूंगा, बट अभी छोटे बच्चे हैं। देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, याद कीजिए। हमने कहा था एक्सपेंस का मतलब होता है जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने करंट ईयर में ले लिया, जो जो वैल्यू आपने एंजॉय कर लिया बच्चे, जिसका बेनिफिट आपने ले लिया, हम उसे एक्सपेंस कहते हैं। और जिस वैल्यू को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ये बात आप जानते हैं। तो ये काम करते हैं, आज की जो क्लास है ना, मैं इसी के साथ शुरू करूंगा, इसी के साथ। आप देखो, पिछली क्लास में हमने 7 एग्जाम्पल कराया था आपका, 8 कराया था, 9 कराया था, ये सारे एक्सपेंस पे कराए थे। हमने कहा था कि पे कर दिया चाहे पे करना बकाया हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो करंट ईयर में आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो हम उसको एक्सपेंस कहेंगे। इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। अब ना मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। एक्सपेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, आज ना मुझे थोड़ा सा और आगे आपको लेकर जाना है। आज की क्लास में एक्सपेंस और एसेट्स पे मैं कमांड करने की कोशिश करूंगा। एक्सपेंस और एसेट्स पे थोड़ा और कमांड, मैं इसको नहीं मिटा रहा, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। पिछली क्लास में एक्सपेंस के बारे में हमने ऐसा डिस्कशन किया था, आज रहा मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, थोड़ा और आगे चलता हूं। देखो, मैं एक काम करूं, ये नोट आपके पास पड़ा होगा पिछली क्लास के एंड में। आप एक नोट और लिखो, आप यहां पे एक नोट और लिखो, लिखो यहां पे नोट एक और आज का, आज की क्लास में लिखेंगे फिर से ब्रैकेट में ओनली फॉर मी। ये नोट सिर्फ आपके लिए, किसी को पता नहीं होता। मैं आपको ना एसेट्स के बारे में आपको बता रहा हूं। सर, एसेट्स के बारे में आपने पहले भी तो बताया था। हाँ बच्चे, हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम वैसे ही लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिंपल शब्दों में आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर एसेट्स का मतलब क्या होता है। लिखो यहां पे वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म फर्म विच फर्म विल विल इंजॉय, विल इंजॉय कब जी? इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। कहता है कि फ्रॉम एंड ऑफ, फ्रॉम एंड ऑफ करंट, करंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ईयर, ईयर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एन एसेट। याद कीजिए, मैंने ये बात आपको पहले भी की है, ये चर्चा हमारी पहले भी आपके साथ हुई है कि एसेट्स का मतलब होता है जिस वैल्यू को आप इंजॉय करोगे फ्यूचर में, जो भी कुछ फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, जो भी कुछ देगा बच्चे फ्यूचर में, हम उसे एसेट्स कहते हैं। सर, वही बात आप दोबारा दोबारा क्यों लिखा रहे हो? क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे ना इन पांच वर्ड मैंने आपके लिए बनाए हैं, पांच वर्ड, उस पर कमांड कर लो और फिर तो अकाउंट्स इतना मस्त हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं। उस पांच वर्ड में एक वर्ड आपका एक्सपेंस है और दूसरा आपका एसेट्स है। मैं दिखाऊंगा वो पांच वर्ड कौन कौन से हैं। पूरा अकाउंटेंसी उसी पर टिका हुआ है, पूरा अकाउंटेंसी उसी पर टिका हुआ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है या फिर कॉन्सेप्ट आपके वीक है, वो उन्हीं पांच वर्ड से आपका आगे बढ़ता है। तो पांच में एक तो आपका एक्सपेंस था, एक एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या? वो वैल्यू, वो वैल्यू जिस वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वो बेनिफिट की वैल्यू जो कि आप कब इंजॉय करोगे जी? इन फ्यूचर। वो फ्यूचर कब से काम किया जाएगा, अकाउंट किया जाएगा? तो फ्रॉम एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब इस साल के एंड के बाद जिस वैल्यू का आपको बेनिफिट मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं आपको यहां पे? हम उसको एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल में जरा बताओ, अगले वर्ष भी हमें क्या क्या बेनिफिट देने वाला था जी? जैसे कि आपका मशीन हो गया, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, और बताइए, और बताइए, जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, और बताओ, और बताओ, जैसे कि हमारा कैश हो गया। सर, कैश कैसे होता है? क्यों? कैश जो एंड में पड़ा हुआ है उसको अगले साल ही तो यूज करोगे, अगले साल तो यूज करोगे, वो भी तो हमारा एसेट्स है। जैसे कि हमारा यहाँ पे और बताइए, जैसे कि हमारा बैंक हो गया, बैंक का मतलब जो बैंक में पैसा है वो भी आगे यूज करूंगा। जो करंट ईयर के एंड में जो भी कुछ हमारे पास है जिसको अगले साल यूज करूंगा, वो सारे हमारे एसेट्स होते हैं। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए। डेटर्स वो कस्टमर जिनसे पैसा मुझे लेना है,
सर ये कैसे? अरे जिनसे पैसा लेना है, अब तो ये साल खत्म हो गया क्योंकि ये डेफिनेशन ही कब हो रहा, फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड अकाउंटिंग ईयर के एंड में, तो साल के एंड में जो डेटर से वो अगले साल पैसा देंगे, उनको हम अगले साल यूज करेंगे, हमारे एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स हैं। उसी तरीके से आप ले लो बिल्स रिसीवेबल बीआर, जो हमने इनसे पेपर साइन कराया था बीआर, हम इनसे भी क्या होगा जी, अगले वर्ष पैसा मिलेगा, ये साल तो खत्म हो चुका है। तो ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। हाँ, आज मैं यहाँ पे कुछ नाम और जोड़ूंगा, लेकिन उस नाम को जोड़ने के पहले ध्यान रखना, हमने इनको क्या बोला था जी, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये एक साल से ज्यादा समय में हमें बेनिफिट देते हैं। एंड ऑफ अकाउंटिंग, ये साल यहां पे खत्म हो गया, इसके खत्म होने के एक साल के अंदर तक जो बेनिफिट देगा उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और एक साल से भी जो आगे जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, जो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट था आपका। तो ये हमारा फिक्स हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, जी ये हमारे करंट एसेट्स हो गए, मुझे आज इसमें कुछ और एग्जाम्पल जोड़ना है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया जी, कॉमा लगा के छोड़ दिया। देखेंगे और यहां पे क्या क्या नाम जुड़ेगा। इसको समझने के लिए आप जरा आ जाओ आज का एग्जाम्पल नंबर, लो मिटा दिया, कितना था भूल गया, वन कर लो, कौन टेंशन लेगा, नंबर से क्या जाता है, मेन तो कॉन्सेप्ट की बात उठती है। तो आज जरा मैं आपको दिखाऊं कि अब यहां पे हमारे एसेट्स में और कौन कौन से नाम जुड़ सकते हैं। इन बात को समझने के लिए ये लीजिए हमारा करंट ईयर, आप डायग्राम बनाएंगे, 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका ये 31 दिसंबर 2018, ये हमारा करंट ईयर आपका हो गया। आप बनाए मेरे साथ यहां पे, ये हमारा करंट ईयर है 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर। आप ये भी जानते हैं कि इसमें टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने आपका होता है ना, जनवरी से दिसंबर तक। नाम लिख दो क्या, चलो लिख लो, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च भी होता है, अप्रैल भी होता है, मई भी होता है, जून, फिर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर आपका दिसंबर, इतने सारे महीने होते हैं। सर ये क्यों लिखा, हमें पता था पहले से, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा समझ लिया तो पाप थोड़े कर दिया मैंने आपको, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो कहता है यहाँ पे, देखो ये सीओसी, ये कौन है जी, एक फर्म है, पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, आगे भी डिटेल में बताऊंगा कि अकाउंटेंसी पूरा का पूरा जो हम स्टडी करते हैं एक फर्म के लिए समझते हैं। कल को हम जब बड़े बच्चे हो जाएंगे, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, किसी फर्म या कंपनी में, तो हम उनके अकाउंट्स को संभालेंगे, उनके बिजनेस को संभालेंगे बच्चे, तो हम उनके एंगल से बात कर रहे हैं। एक सीओसी एक फर्म है, देखो इस मेरे, मान लो ये फर्म मैं हूं, मुझे ही मान लो फर्म है, मैंने क्या किया, ये देखो ये मेरे पास एक इम्प्लॉय है, ये देखो आप जरा यहां पे, ये जो है ना बच्चे, ये मेरा एक इम्प्लॉय है, कौन है ये इम्प्लॉय, इस इम्प्लॉय का नाम जो है ना वो राम है, राम, और पता है इसकी जो सैलरी मैंने फिक्स की है ना, सैलरी जो मैंने इसकी फिक्स की है वो आपका 20,000 पर मंथ मैंने इसकी सैलरी रखी है। मैंने कहा कि इम्प्लॉय राम, तुम हमारे पास काम करो, तुम हमें अपना बेनिफिट दो, हम तुम्हें पर मंथ 20,000 की सैलरी पे करेंगे। बोला ठीक है। पता है क्या हुआ, ये जो राम है ना, जिसकी सैलरी 20,000 है, इसने पूरे साल मेरे पास काम किए, पूरे साल काम किए। अब हुआ क्या कि जब पूरे साल काम किए तो मैंने इसको जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की जो सैलरी है ना उसको मैंने टाइमली पे कर दिया। बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, लो काम करो, पैसे लो, क्योंकि आप जब मैनेजमेंट में जाओगे तो जब तक आपके अंदर के जो इम्प्लॉय हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनका सेटिस्फेक्शन क्या है, पैसा, टाइम पे पैसा पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इम्प्लॉय काम करेगा, वो आपके लिए जान भी देने को तैयार हो जाएगा। ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गुण होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मैनेजमेंट सीखा हुआ है, मैंने 11 महीने क्या किया, इनको 20,000 रुपए आराम से पे किए। जब दिसंबर का महीना आया तो मेरे इंप्लॉय राम के घर में कुछ अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, राम को क्या हुआ कि कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, अचानक ही राम दौड़ा मेरे पास आया, और मेरे बच्चे जब ये आया ना तो इसकी आंखों में आंसू थे सर लाल, हाँ बच्चे खून के आंसू थे। ये जो राम था ना वो रो रहा था। हमने पूछा राम क्यों रो रहे हो, बताओ, हमने तुम्हें हमेशा पेमेंट किया टाइम पे, तुम्हारे घर का ख्याल रखा, तुम क्यों रो रहे हो जरा बताओ। तो राम ने कहा कि सर देखो ना, मेरा जो बच्चा है ना वो बीमार हो गया है,
और उसको ना हमने अभी 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 एडमिट किया है हॉस्पिटल में, और उसके इलाज के लिए ना सर 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 50,000 की रिक्वायरमेंट है। आप लीजिए काम करो, मुझे 50,000 का पेमेंट कर दो। 50,000 ना बताओ, 50,000 में से उसका आपका सैलरी कितना बना दिसंबर का, दिसंबर का कितना बना, दिसंबर कितना बना आपका यहां पे? तो सर दिसंबर का, या फिर थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, जरा सुनना ध्यान से, मैं थोड़ी सी कहानी को मतलब बच्चे हो ना छोटे छोटे दिमाग को मुझे अपने लायक अपने दिमाग को आपके लायक बनाना पड़ता है, तभी तो बात बनेगी। थोड़ा सा और सिंपल करता हूं, थोड़ा सा और सिंपल। देखो हुआ क्या, हुआ क्या कि अभी उसके आंसू को पहले पोछता हूं मैं, अभी पोछता हूं, अभी नहीं रो रहा, अभी तो खुश है, अभी तो खुश है, इसका चेहरा पूरा अच्छा सा था, ये चेहरा आपका अच्छा था। पता मैंने क्या क्या, इसकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ रखी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मैंने उसको 20,000 के हिसाब से 12 महीने का 12 मंथ्स का मैंने उसको सैलरी पे कर दिया, कर दिया पे उसको, कर दिया बच्चे, बोला चल कोई बात नहीं, पे कर दिया हमने। बताया क्यों पे किया, क्योंकि अच्छा इंप्लॉय मैंने पे किया। लेकिन एक्चुअली दिसंबर के 31 तारीख 31 दिसंबर को बिल्कुल रात को, रात के 31 दिसंबर के मेरे बच्चे रात के 12 बजे, 12 AM मतलब रात के 12 बजे ये मेरे पास आया, और हाँ मैं दिखाऊं, वो रो रहा था, वो रो रहा था खून के आंसू, पहले मैं बता चुका हूं ये रो रहा था। इसने बोल, मैं मेरे घर पे आया, मैं उठा, बोला राम तुम क्यों रो रहे हो जरा बताओ ना। उसने कहा कि मेरा बच्चा बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप प्लीज मुझे 50,000 रुपए दे दो, मुझे 50,000 रुपए दे दो, और मैं, आप चिंता नहीं करना, मैं आपसे मतलब कोई ऐसे भीख नहीं मांग रहा, आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, अगले साल जो मैं आपके पास काम करूंगा, अगले साल जो मैं आपसे आपके पास काम करूंगा तो मेरी सैलरी में से काट लेना। बात सुना आपने मैंने क्या बोला? इसने कहा कि आपने जरा बताओ अभी तक पूरे वर्ष में मैंने इसको कितना पे कर दिया है, पूरे वर्ष में इसको 2,40,000 रुपए मैं इसको दे चुका हूं, 240 दे चुका हूं। ये आज कहता है कि मुझे आप एक काम करो 50,000 और मुझे दे दो, 50,000 और मुझे दे दो, और इस 50,000 के बदले में अगले साल भी तो मैं काम करूंगा, आप मेरी सैलरी से काट लेना। तो हमने बोला चल कोई बात नहीं, आप अच्छे इंप्लॉय हो। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, इनको 2,90,000 इनको टोटल अमाउंट पे कर दिया, टोटल अमाउंट जो मैंने इनको पे किया, पेड ड्यूरिंग कौन सी था जी, करंट ईयर हमारा 2018 मेरे बच्चे, 2018 में मैंने इनको 2,90,000 का पेमेंट किया। कौन सा 2,90,000? एक तो 2,40 करंट ईयर का, और जिसके बदले में अगले साल वो काम करेंगे, अगले साल उसका भी 50,000 रुपए हमने क्या किया, उनसे ले लिया, उनको पे कर दिया, सॉरी। तो टोटल अमाउंट मैंने उनको कितना पे किया, 2,90,000 रुपए, यही तो पे किया बच्चे। अरे बोलो ना, हाँ, अरे दिमाग लगाओ ना यार, 20,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 2,40 वो भी दे दिया। आपने रिक्वेस्ट किया, मान लो राम आप हो, आपने रिक्वेस्ट किया कि आपका बच्चा बीमार है, तो मैंने 50,000 रुपए और दे दिए, बोले कि ठीक है अगले साल हम एडजस्ट कर लेंगे आपका, यही तो बात हुआ। तो टोटल मैंने कितना पे किया, 2,90,000 रुपए। मुझे बताओ कि अगर मैं अब आपसे पूछता हूं, अगर मैं इस पूछता हूं कि 2,90,000 में जरा बताओ एक्सपेंस जो रिकॉर्ड किया जाएगा कौन सी ईयर का, फॉर 2018, ध्यान दीजिए ये 2018 मेरा करंट ईयर है, आप मुझे बताओ कि 2,90,000 रुपए जो मैंने सैलरी के नाम पे किया था उस एम्प्लॉय को, मैं अब इसमें से रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मेरा एक्सपेंस कितना हुआ, तो बताओ एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा, बोलो बोलो। जब आप आ ही गए हो समझने के लिए तो मैं भी तैयार हूं समझाने के लिए, आप बताओ एक्सपेंस कितना होगा। सर समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा बच्चे? अरे देखो ना, मैंने एक्सपेंस का मतलब क्या बोला था, जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने कब लिया है, सिर्फ करंट ईयर में, जो करंट ईयर में आपने बेनिफिट लिया हम वही एक्सपेंस कहते हैं। बताओ क्या पूरे 2,90,000 का बेनिफिट ले लिया क्या, बोलो बोलो, क्या आपने पूरे 2,90,000 का बेनिफिट ले लिया क्या करंट ईयर में? नहीं सर, नहीं, ना सर, ना, हमने बेनिफिट जो उससे काम लिया वो तो सिर्फ 2,40 का लिया, 2,40 का मेरे बच्चे, 2,40,000 ही आपका एक्सपेंस है। आपका एक्सपेंस कोई पूछेगा तो आप कहना कि 2,40,000 ही आपका एक्सपेंस कहा जाएगा,
एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जिनका बेनिफिट हम करंट ईयर में लेते हैं। अच्छा चलो जरा मुझे बताओ, ये 50,000 जो मैं उसको पे कर चुका हूं, अरे 50 जो पे कर चुका हूं, क्या इस 50 का बेनिफिट मुझे करंट ईयर में मिलेगा कि अगले वर्ष मिलेगा? आप बताओ, करंट ईयर में कि अगले साल? सर अगले साल मिलेगा, अगले साल, अगले साल, अगले साल का मतलब होता है कि एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बाद, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बाद जिसका बेनिफिट मिलता है उसको हम एसेट्स कहते हैं। गलत बोल रहा हूं, ये देखो ना, अरे जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा अगले साल, इन फ्यूचर, ये फ्यूचर कब से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम एंड ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर है जहां पे हम एंड कर रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो इसके बाद जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगा हम उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंस नहीं, हम उसे एसेट्स कहते हैं, हम उसे एसेट्स कहते हैं। और मेरे बच्चे ये जो 50,000 जो है ना, 50,000 वो हमारे अकाउंट्स में एक्सपेंस नहीं, वो एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। वो हमारा एसेट, वो हमारा एसेट है। आज आज देखो यहां पे सारा डेफिनेशन देखा जा रहा है कि यहां पे हम किसको एक्सपेंस बोलेंगे, किसको एसेट्स बोलेंगे। तो यहां पे 2,40,000 को एक्सपेंस कहा जाएगा और जो 50,000 का बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा हम उसको एसेट्स बोलते हैं। देखो ना, जैसे एक्सपेंस के हजारों नाम होते हैं ना, उसी तरीके से एसेट्स के भी हजारों नाम होते हैं, लाखों नाम होते हैं। रेंट हो गया, सॉरी आपका देखो ना, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया, आपका आपका वॉच हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर, सारे एसेट्स ही तो है। तो मेरे बच्चे ये जो 50,000 है ना, इस एसेट्स को अकाउंट्स में हम कहते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। कौन सा? सैलरी ना, तो कह देना प्रीपेड सैलरी, आप कह देना प्रीपेड सैलरी। सुना मेरी बात, ये हमारा एसेट्स है और इस एसेट्स का नाम क्या होगा? प्रीपेड सैलरी कहा जाएगा। प्रीपेड, प्री मतलब पहले जो हमने पे कर दिया, सैलरी मतलब एडवांस में पे किया वो सैलरी, एडवांस में जो सैलरी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड सैलरी। ये हमारा अकाउंट्स में एसेट्स होता है। क्यों एसेट्स होता है तो बताना दुनिया को, क्योंकि अभी तक इसके बदले में फर्म ने बेनिफिट लिया नहीं, अगले साल लेगा, और जिसका भी बेनिफिट अगले साल मिलेगा वो हमारा एसेट्स होता है। क्लियर? तो मैं एक काम करता हूं कि जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा था, यहां पर एक नाम और दे दूं आपका, क्या जी? प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज मत समझ लेना, हम बात कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस का, मतलब कोई भी एक्सपेंस जो एडवांस में पे किया गया है वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारा एसेट्स होता है। हमने अगले साल का रेंट पे कर दिया, पे कर दिया, लैंडलॉर्ड बोला कि यार कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, दे दो एडवांस, दे दिया हमने एडवांस। गरीब थोड़े ही है, खूब सारे पैसे हैं, दे दिया हमने, एसेट्स बन जाएगा। अगले साल का कोई भी बेनिफिट अगर मान लो अभी तक हम नहीं मिला, हम अभी बेनिफिट लेंगे और पैसा पे कर चुके तो हम एसेट्स बोलते हैं। अरे मशीन भी तो यही है, हमने मशीन को भी एसेट्स क्यों बोला? क्योंकि मशीन जो हमने खरीदा, मशीन का जो पेमेंट किया, अभी इस मशीन का बेनिफिट लिया नहीं, अभी लेना है, और जो भी आगे हमें बेनिफिट देगा सबको एसेट्स कहते हैं। गलत थोड़े बोल रहा हूं। अरे फर्नीचर को भी, बिल्डिंग को भी इसलिए एसेट्स बोला क्योंकि पेमेंट तो कर दिया, पेमेंट यहां भी कर दिया, पेमेंट इनका भी कर दिया, लेकिन बेनिफिट अभी तक नहीं लिया, वो हमें आगे बेनिफिट देगा, और जो भी आपको आगे बेनिफिट देगा वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। ये बात आप जानते हैं, ऐसे ना देखो, आप ये ना सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूं या फिर आपको गलत पढ़ा रहा हूं या फिर आपके बुक में कुछ अलग लिखा होगा। आपकी बुक में भी यही बात लिखा होगा, बट पता नहीं कहां 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 हम उसको समराइज कर रहे हैं, उनको एक साथ कॉन्सेप्ट के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट हमने कहा कि बेनिफिट अगर करंट ईयर में ले लिया तो एक्सपेंस होगा, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। और अगर मान लो हमने बेनिफिट नहीं लिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसको एक्सपेंस बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेमेंट हो चाहे पेमेंट ना हो। आई बात समझ में? सर हाँ सर, लेकिन सर कुछ और कराओगे हमें मजा आएगा, पहले मैं इसको मिटाऊंगा। और हाँ जरा बताओ, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा फिक्स्ड एसेट्स होगा कि करंट एसेट्स होगा? सर ये करंट एसेट्स में जाएगा, सर ये करंट एसेट्स में, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं कि हमने अगले 50 साल का पेमेंट कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। अरे एम्प्लॉय को एडवांस दूंगा तो एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, चार महीने का, ऐसा थोड़े कि पूरा का पूरा पूंजी उसको दे दूंगा कि हाँ जी आप एक काम करो, एडवांस ले लो और आप भी जिंदगी भर मेरे पास काम करना, आपका बेटा जो बीमार है जब वो ठीक हो जाएगा वो भी मेरे पास काम करेगा जिंदगी भर, ऐसा थोड़े, कोई बंधुआ मजदूर थोड़े।
दो महीने का दो, एक महीने का दो, तीन का दो, चार का दो, पांच महीने का, इससे ज्यादा नहीं होगा। और सर हो गया तो कोई बात नहीं, अगर एक साल से ज्यादा समय का एडवांस होगा तो बोल देना फिक्स्ड साहब को, वो भी है क्या जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जो एडवांस पेमेंट होता है हम जनरली मानते हैं कि दो तीन महीने का है, और ऐसा हमेशा होता है बच्चे, लंबे समय के लिए कोई भी कंपनी एडवांस नहीं देती। ठीक है सर, इंप्लॉय को कोई भी कंपनी एडवांस नहीं देती लंबे समय के लिए, ये बात हमारी हो गई। अब मैं आपके साथ ना कुछ खेल खेलूंगा, कुछ खेल देखता हूं उस खेल में कौन जीतता है, आप या मैं, देखता हूं उस खेल में कौन जीतता है, आप या मैं। आओ जरा देखते हैं कि आप ज्यादा स्ट्रांग हो या मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मतलब शक्तियां किसके अंदर ज्यादा है। ये पता नहीं ऐसे क्यों बदमाश बीच बीच में इतना चिल्ड कर देता है ना कि मैं क्या बताऊं, थोड़ी देर बंद ही कर देता हूं। अब ठीक लग रहा है, ये पूरे ये देख रहा है, ये पूरा का पूरा हाथ जो है ना इतना इतना फूल गया ठंड से, इतना फूल गया है। आओ जरा एग्जाम्पल नंबर टू लिखे आप यहां पे, एग्जाम्पल नंबर टू। पहले ये रहा करंट ईयर, आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि करंट ईयर का टाइमिंग क्या है। मान लो 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2018, और लिख भी देता हूं ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। ठीक है, अब जरा सुनो अगला एग्जाम्पल। अब बात गई सैलरी की, अब बात आई रेंट की। पता है जो रेंट मेरा है ना, रेंट आपका जो है ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ मेरा जो बिल्डिंग है, कौन सा बिल्डिंग, बिजनेस का नो डाउट, ऑफिस का, वो कहता है कि आपका 50,000 पर मंथ है रेंट जो मेरे बच्चे बिल्डिंग का है, जिस बिल्डिंग में मैं काम कर रहा हूं। ये देखो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मेरा बिजनेस चल रहा है, ये देखो इस बिल्डिंग में यहां लिखा हुआ COC, हाँ मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा कंपनी है। तो COC के बिल्डिंग है, उसका रेंट कितना बता रहा, 50,000 पर मंथ। कहता है क्वेश्चन में कि रेंट जो हमने पे किया है, रेंट पेड फॉर करंट ईयर, जो हमने करंट ईयर का रेंट पे किया है, जरा बताओ 50,000 के हिसाब से आपका 12 मंथ्स का कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 6 लाख का अमाउंट। एक तो हमने ये पे किया है, मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा कि भैया हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगले साल का भी 2 महीने का रेंट हमें अभी दे दो। उसने 2 मंथ्स जो अगले साल में आने वाले हैं उसका एडवांस हमसे मांग लिया रेंट, कहा कि आप हमें डायग्राम बनाना, डायग्राम से क्लियरिटी आपको आएगा। तो एक तो मैंने करंट ईयर का पे किया, ये हो गया करंट ईयर, और हमने पे किया उसको रेंट फॉर कौन से ईयर का जी, अगला साल क्या आ जाएगा 2019 चल रहा ना बच्चे, तो 2019 मतलब कि नेक्स्ट ईयर का भी जरा बताओ 2 महीने का 50,000 × 2 कितना हो जाएगा 1 लाख, मैंने ये भी उसको पे कर दिया। तो जरा बताओ टोटल जो हमने कैश पे किया, टोटल कैश पेड जो किया हमने, वो कितना हमने पे किया सर, 7 लाख। 7 लाख रुपए मैं इस वर्ष अपने लैंडलॉर्ड को दे चुका हूं, 7 लाख का पेमेंट कर चुका हूं, 7 लाख याद रखना, 7 लाख मेरे पॉकेट से जा चुके हैं। एक्सपेंस कितना हुआ बोलो ना, एक्सपेंस कितना होगा, क्या मैं एक्सपेंस पूरे 7 लाख को बोल दूं क्या, नहीं सर नहीं, पूरे 7 लाख को नहीं कहना सर, आप शायद भूल गए सर, एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका बेनिफिट हमें मिलता है करंट ईयर में, और सर वो सिर्फ 6 लाख का अमाउंट है। तो 7 लाख में ऐसे लिखो जो 6 लाख होगा वो आपका रेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, रेंट यानी कि आपका एक्सपेंस, मैं इसको एक्सपेंस कहा था ना, एक्सपेंस के कई सारे नाम होते, तुम यहां क्या बोल देंगे, रेंट आपका। और इस 7 लाख में से जो 1 लाख का हमने पेमेंट किया मेरे बच्चे अगले साल के लिए, हम उसे एसेट्स नाम देंगे, एसेट्स नाम होगा बताओ उसको मैं क्या बोलूं सर, प्री पेड मतलब जो पहले पे कर दिया रेंट, एडवांस में पे किया हुआ रेंट हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट, ये हमारा एसेट्स कहा जाएगा, प्रीपेडेंट, आपका बात समझ आ रही है। तो सर एक्सपेंस कितना हो गया, 7 लाख, सॉरी माफ कीजिए, 7 लाख हमने पे किया, उसमें 6 लाख को हम एक्सपेंस कहेंगे और 1 लाख को क्या बोलेंगे जी, एसेट्स हमारा है, क्योंकि ये अगले साल इसका बेनिफिट मिलेगा, अगले साल मिलेगा। ठीक है एग्जाम्पल नंबर थ्री। अब देखता हूं कि पिछली क्लास की बातें भी आपको याद है या फिर आप भूल चुके हैं। ये देखो मैं यहां पर लेकर आता हूं जी, समय है आपका 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका ये रहा 31 दिसंबर 2018,
ये हमारा करंट ईयर है बच्चे, ये करंट ईयर आपका है, सुनना ध्यान से इस बार क्या हो रहा है, ये हमारा करंट ईयर है। कहते हैं कि यहां पे रेंट जो आपका है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये जो ऑफिस बिल्डिंग है मेरा और इसका जो रेंट है बच्चे, वो कहता है इस बार 40,000 पर मंथ है, 40,000। और ये देखो मैं वो बिल्डिंग दिखाता हूं, ये देखो मेरे ऑफिस का बिल्डिंग आपको दिखेगा, ये देखो जरा बताओ बीच में क्या लिखा हुआ है, COC कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस, हाँ COC आपका, मजा आ रहा देखने में नहीं, COC अच्छा लगता है, ठीक है। आप जरा सुनना, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कहता है कि 40,000 पर मंथ है, हुआ क्या मेरे बच्चे कि अब क्वेश्चन कहता है कि रेंट जो आपने पे कर दिया, जो आपने पे कर दिया ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर आपने करंट ईयर में जो रेंट पे कर दिया, वो कहता है कि आपने सिर्फ 11 मंथ्स का रेंट पे किया है, 11 मंथ्स का। तो जरा बताओ 40,000 के हिसाब से 11 मंथ्स का कितना हो गया, सर 4,40,000, 440। ठीक बोला आपने, ठीक बोला बच्चे, 440 पे कर दिया 11 मंथ्स ना, यानी कि यहां से लेकर हमने यहां तक का क्या क्या पे कर दिया। और कहता है कि ये जो एक महीना है ना दिसंबर का, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो कहता है कि रेंट जो आपका है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया था हमने, बकाया है, इसको हम कह सकते हैं पेबल। रेंट जो आपका पेबल है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, फॉर वन मंथ, बताओ कितना हो जाएगा, सर 40,000 पर मंथ के हिसाब से, 40,000। तो चलो बताओ आपका, मैं यहां दे दिया जी दो चीजें, आपका पे किया 440 एंड 40 अभी पे करना बकाया है, बताओ जरा एक्सपेंस कितना हुआ, बोलो बोलो एक्सपेंस कितना हुआ, क्या जो पे किया 11 महीने का सिर्फ वही एक्सपेंस है, ये तो मैं पे कर चुका हूं, और ये कहता है कि एक महीने का अभी आपका यहां पे आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, बताओ एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होगा वो 11 मंथ्स का कि 12 मंथ्स का, बताओ 11 का कि 12 का, सर 12 का होगा, सर 12 का, क्योंकि आपने बेनिफिट जो करंट ईयर में लिया है सर वो पूरे 12 महीने का। तो मेरे बच्चे अगर कोई पूछे ना कि जरा बताओ रेंट आपका एक्सपेंस जो रिकॉर्ड होगा, वो कितने का, 4,80,000। पता अभी तक जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब तक कॉमर्स को नहीं जानते थे, तो एक्सपेंस का मतलब क्या, खर्चा हो जाना, खर्चा मतलब क्या जी, जो पेमेंट किया हमारा एक्सपेंस हो गया, वो ठीक था जब हम छोटे बच्चे थे, अब तुम थोड़े बड़े हो गए ना बच्चे, अब तो अकाउंट्स, हाँ मैं कह रहा था कि चल गया, यस अब ठीक है। कहता था बच्चे यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे कह रहा था वो कि आपने जो रेंट पे कर दिया, चेक करेंगे आप, मैं कह रहा था कि जो आपने रेंट पे कर दिया वो भी आपका एक्सपेंस है, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग वो भी एक्सपेंस है। हम बचपन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बचपन में क्या होता था, एक्सपेंस का मतलब कि यार दुकान में गया, पैसा पे कर दिया, एक्सपेंस हो गया। अब ऐसा नहीं होता अकाउंट्स में, पैसा पे किया तो पहले वो देखो कि उस पैसे का बेनिफिट इस साल लिया कि कब लिया, इस साल लिया तो ही एक्सपेंस कहा जाएगा। और मजे की बात है कि पैसा नहीं पे किया तो भी एक्सपेंस कहा जाएगा, क्योंकि इस साल नहीं तो अगले साल पे कर देंगे, लेकिन बेनिफिट तो लिया इस साल, जिस साल बेनिफिट लिया। सर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, अभी छोटे बच्चे हैं आप, अभी एक्सपेंस का मतलब ये समझ लेना, ठीक है ना सर। हाँ, तो इन शॉर्ट जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया, पैसा पे करो चाहे पैसा पे ना करो, एक्सपेंस है। जो हमें अगले वर्ष बेनिफिट देगा, आगे अब आने वाले समय में देगा, हम उसको एसेट्स बोलेंगे। और कितना प्यारा नाम आपको दिया, प्रीपेड का, प्रीपेड का आपका, आई बात समझ में सर। हाँ चलो, जब आज आज पूरी क्लास हमारी एक्सपेंस पे चल ही रही है, तो मैं कुछ और भी आपको बताऊं, कुछ और भी आपको बताना चाहता हूं। ये लीजिए, मैं इसको मिटाऊं और मैं कुछ और आपको समझाऊं, और कुछ और भी मैं आपको समझाऊं। सर क्या आप समझाना है, देखो ना बहुत कुछ है समझाने को मेरे पास अभी आपके लिए। एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहां पे, एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो होता क्या है, ये रहा हमारा 2 वर्ष, मैंने आपको दिखाया 2 वर्ष। ये रहा आपका 1 जनवरी 2000 मान लो आपका 17, और ये रहा आपका 31 दिसंबर 2017। ध्यान से मेरी बात सुनना,
और ये रहा आपका अगला साल 1 जनवरी 2018 से लेकर आपका यहाँ पे 31 दिसंबर 2018। ये दो वर्ष मैंने दिखा दिए, ये आपका एक, ये हमारा पहला साल, ये दूसरा साल आपका हो गया आपका। सर करना क्या चाहते हो, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, जरा सुनना ध्यान से। कहता है कि लिखो यहां पे नीचे में, अब ऑन 1 जनवरी 2017 कहता है कि सीओसी यानी कि फर्म ने, ये कौन है जी, एक फर्म है, कहता है कि परचेस्ड, लिखिए मेरे साथ साथ, परचेस्ड अ मशीन, एक मशीन इसने परचेज किया बिजनेस के लिए, मशीन फॉर रुपीज 5 लाख। बच्चे 5 लाख रुपए का मैंने एक मशीन परचेज किया, जरा बताओ वो डेट मैंने आपके सामने क्या रखा यहां पे, इस दिन पे 1 जनवरी को, ठीक है ना। कहता है कि लाइफ ऑफ द मशीन, इस मशीन की जो लाइफ है, मशीन की जो लाइफ मतलब जितने साल तक काम करेगा वो, मान लो आपका कहता है कि 10 ईयर्स है, 10 साल, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस मशीन को मैंने आज 5 लाख में परचेज किया मेरे बच्चे, वो मशीन 10 ईयर्स तक चलेगा, 10 ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा हमने यहां पर लिखा। कहता है यहां पे, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, सर हां सर हां, बोलता है कि आपका कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या जी, नंबर वन वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन हमारा क्या है यहां पे, एक एसेट है, एसेट है, ब्रैकेट में लिख दो आप, ऑन 1 जनवरी 2017। कहता बताओ मशीन की वैल्यू यहां पे आपका कितना रिकॉर्ड की जाएगी। नंबर टू कहता है कि जरा बताओ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब वैल्यू ही होता है, बुक वैल्यू मतलब बुक में जो वैल्यू दिखाया जाएगा, अकाउंट्स क्या है जी, एक बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो कहता है कि जरा बताओ उस बुक में जो वैल्यू रिकॉर्ड होगा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, ऑफ मशीन, मशीन जो हमारा एक एसेट है, कहता है जरा बताओ ऑन 31 दिसंबर 2017 यानी कि इस मशीन की वैल्यू यहां पर कितनी रिकॉर्ड की जाएगी, और फिर कहता है जरा बता दो कि बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू यानी कि जो बुक में वैल्यू दिखाएंगे, सिंपली वैल्यू को कहते हैं, बुक वैल्यू मशीन, मशीन यानी कि एसेट, ऑन 31 दिसंबर 2018 बोलता है जरा बताओ आपके मशीन की वैल्यू यहां कितनी रिकॉर्ड की जाएगी। आप प्लीज कॉपी करो, कॉपी करो, लिखो आप यहां पे, सर हो गया सर, बोलो आगे क्या करना है। तो आपको मेरी बात सुननी है ध्यान से, थोड़ी सी बातें समझने वाली, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे। देखो अब होगा क्या, सॉल्यूशन में पहले हम यहां की बात कर ले, लिखो नंबर वन में वैल्यू मतलब बुक वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी ऑन 1 जनवरी 2017। ऐसे तो वैल्यू हमेशा हम साल के एंड में निकालते हैं, वैल्यू ऐसा हमेशा साल के एंड में निकालते हैं, लेकिन मान लो किसी ने पूछ दिया तो कोई हर्जा थोड़ा ही है, किसी ने पूछा बताओ इस दिन पे आपके मशीन की वैल्यू कितनी है, किसी ने पूछ दिया कि जरा बताओ यहां पे आपके मशीन की वैल्यू कितनी है, तो मेरे बच्चे जरा बताओ यहां पे हमने मशीन कितने का लिया, 5 लाख का, तो आप कहना 5 लाख रुपीज आपका मशीन का वैल्यू है, मशीन का वैल्यू स्टार्टिंग में। सुनो क्यों, समझाना किसी को, उनको समझा देना कि यार जो मशीन हमने 5 लाख का परचेज किया ना, वो हमें कई वर्षों तक बेनिफिट देगा, वो वैल्यू कितना होगा 5 लाख को, तो हमने एसेट्स दिखाना क्योंकि बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। अब जरा सुनो ध्यान से, वो पूछता जरा बताओ आपका इस दिन पे आपके एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी, इस दिन पे, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना, पिछली क्लास से थोड़ा सा लिंक है। आप देखो जब वैल्यू यहां पूछेगा ना, तो आप देखो एक वर्ष आपके गुजर चुके हैं, एक वर्ष गुजर चुका, जिस दिन आपने मशीन को परचेज किया था उस डेट से लेकर अभी तक एक वर्ष का समय गुजर चुका है, गुजर चुका ना सर, हां सर हां गुजर चुका। पर बच्चे आपने इस मशीन को 1 साल यूज कर लिया,
एक साल आपने इसको यूज कर लिया, इसका बेनिफिट ले लिया, एक साल ले लिया, करंट ईयर में बेनिफिट ले लिया। तो हमें इस बात को जानना होगा कि करंट ईयर में इस मशीन की कितनी वैल्यू को हमने यूज कर लिया। सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला? हमें जानना होगा कि जो करंट ईयर में जिस वैल्यू को हमने यूज कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस वैल्यू को मैं यूज कर चुका हूं वो मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं। अरे जो बेनिफिट अब हमें आगे मिलेगा उसी को तो एसेट्स बोलूंगा। तो पता मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले यह जानना होगा कि इस एक साल में वो वैल्यू कितना है जिसको मैं यूज कर चुका हूं, और फिक्स्ड एसेट्स की जिस वैल्यू को आप यूज कर जाते हो, फिक्स्ड एसेट्स की जिस वैल्यू को आप यूज कर जाते हो मेरे बच्चे, हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। पिछली क्लास में बातें आपसे हुई थी, आप याद कीजिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स का वो वैल्यू जो हमने करंट ईयर में यूज कर लिया। मेरे बच्चे मुझे जानना होगा सेकेंड के आंसर को निकालने के लिए कि आखिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब जो वैल्यू मैं यूज कर चुका हूं, आपका 4 आपका 2017 कितना हुआ, 2017 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा। तो देखो ना, 5 लाख रुपए का आपका मशीन है, 5 लाख का मशीन, बताओ कितने साल तक बेनिफिट देगा? सर 10 साल तक। आप इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे बच्चे ये निकल के आया ₹50,000 लीजिए। अरे वो जो 5 लाख का मशीन हमने इस साल के स्टार्टिंग में लिया था ना बच्चे, उस 5 लाख में से इस साल हमने 50,000 के वैल्यू को यूज कर लिया। ये वैल्यू तो यूज हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। अरे मशीन जिंदगी भर थोड़े आपके पास रहेगा, आज है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू धीरे धीरे खत्म होगी ना। सर हां खत्म होगी, हम उसे क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जरा बताओ जब बात उठी है तो हम कर ही लेते हैं इस डेप्रिसिएशन को, मतलब जो वैल्यू मैंने करंट ईयर में यूज कर लिया, जो यूज कर लिया जिसका बेनिफिट ले चुका हूं, अगर मुझे इसका नाम देना हो तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको एक्सपेंस कहूंगा। ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। कहा ना बच्चे एक्सपेंस को पैसा से मत तोलना। एक्सपेंस का मतलब अकाउंट्स में सिर्फ होता है कि इस एक साल में जितने वैल्यू का आपने बेनिफिट ले लिया, जो वैल्यू आप बेनिफिट ले चुके हैं उसी को हम एक्सपेंस कहते हैं। बोला ना मैंने आपको, सर हां आपने कहा था। तो डेप्रिसिएशन मतलब आपने 2017 में 50,000 का वैल्यू आप यूज कर चुके हो। कोई पूछे बताओ अब यहां पे आपका एसेट्स कितना बचा, तो लिखो यहां पे, अब मैं लिखूं बुक वैल्यू यानी कि बुक में जो वैल्यू बच गया ऑफ मशीन, मशीन हमारा क्या है जी, एसेट, वो आपका कब, ऑन 31st December 2017। कोई पूछे बताओ यहां पे आपके एसेट्स की वैल्यू कितनी बच गई है, तो मेरे बच्चे आप मशीन की वैल्यू 5 लाख नहीं कहना कि यार 5 लाख जो था उस 5 में 50,000 की वैल्यू तो मैं यूज कर चुका हूं, अब वो हमारा एसेट्स थोड़े रहा। क्योंकि हमारे सर ने समझाया था, मैंने आपको बताया हुआ है कि एसेट्स का मतलब अब जो फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में। तो यहां पे तो बात 5 लाख रुपए समझ में आ रहा था, जब साल गुजर गया तो मेरे बच्चे 5 लाख में आपने से जो चीज यहां पे 5 लाख का था, जो 5 लाख का था, आपने 50,000 की वैल्यू इसमें से यूज कर लिए, तो वैल्यू अब यहां पे कितना बच गया, 4,50,000 का, 450। मेरे बच्चे बुक वैल्यू मशीन जो आपका होगा वो कितना हो गया जी, 4,50,000 की वैल्यू निकल के आ गई है ना। कोई पूछे कि जरा बताओ जी आपका मशीन के वैल्यू यहां पूछ दे चाहे यहां, सेम ही तो होगा, क्योंकि 31st December 2017 या 1st January 2018 में सिर्फ एक सेकंड का फर्क होता है, सिर्फ एक सेकंड का, नहीं सर नहीं एक दिन का होता है, कैसी बात कहे तो एक सेकंड का। अरे रात के 12 बजे तक 17 रहा होगा, रात के 12:01 में 18 आपका हो जाएगा, क्या हो गया आपको, गलत बोल रहा हूं क्या? सर हम भी यही कहना चाहते थे, तो चलो ना फिर झगड़ा क्या। अरे जो या तो यहां की वैल्यू पूछ दे चाहे यहां का मीनिंग सेम निकल के आएगा। तो हमने कहा कि भैया 31st December 2017 को वैल्यू 450 का बच गया, क्योंकि अब ये 450 की वैल्यू बच गई जो हमें आगे क्या करेगा, बेनिफिट देगा। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट जरा बताओ, अब कहता है बताओ बुक वैल्यू ऑफ मशीन आपका 31 December 2018 को कितना होगा। मुझे बताओ ये देखो आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हो जी,
50,000 पर एनम, हर एक साल 50,000। तो फिर यहां भी तो 50,000 की वैल्यू हमने यूज कर लिया, यहां भी तो कर लिया। यानी कि जरा बताओ आपका 2018 में, यानी कि लिखे यहां पे डेप्रिसिएशन, मतलब जो एक्सपेंस हुआ, ये एक्सपेंस होता बच्चे, अब कौन सी ईयर का, फॉर 2018 बताइए। मशीन पे हमने और कितना यूज कर लिया, 50,000। आप चिंता ना करना, डेप्रिसिएशन के एक अलग चैप्टर है, वहां ज्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी हम हल्के हल्के शब्दों में बात कर रहे हैं। तो 2018 में 50,000 आपने यूज कर लिया। तो अगर कोई पूछे जरा बताओ बुक वैल्यू ऑफ मशीन, आपके मशीन की बुक वैल्यू ऑन 31st December 2018 कितना होगा, तो सुनो जरा, ये देखो जरा बताओ, यहां या यहां कह दो वैल्यू कितने का था, 450 का। 450 में और कितना आपने यूज कर लिया, 50। तो अब वैल्यू कितना बच गया आपका यहां पे, 4 लैक्स का हुआ ना बच्चे। अरे 450 के जो वैल्यू थी उसमें से फिर से हमने 50,000 के वैल्यू को यूज कर लिया, तो 4 लैक्स की वैल्यू रह गया आपका, जो हमें अब आगे बेनिफिट देगी, उसी को तो कहते हैं हम आप एसेट्स आपका। 4 लैक्स में अगले साल फिर 50 यूज हो जाएगा, 3.5 लाख बच जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, फिर 50, 250, और ऐसे कहानी चलते चली जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर नहीं, अब हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि एसेट्स की वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाती है, जैसे जैसे हम उसको यूज करेंगे वो एक्सपेंस बन जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा, और जो वैल्यू बच जाएगा जिसको हम आगे यूज करेंगे हम उसको एसेट्स बोलते हैं। लेकिन सर एक सवाल है, पूछो ना क्या, सर आप बताओ, जैसे बिल्डिंग है सर, आप बताओ बिल्डिंग पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या बिल्डिंग छोटी हो जाती है, ना बचना, आपने सवाल ही गलत बोला। अरे हम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे चार्ज ही नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन मशीन पे चार्ज ही नहीं कर रहे, हम उनकी वैल्यू पे चार्ज कर रहे हैं, वैल्यू पे। आप देखो जरा, हमने जब लिखा था एसेट्स तो वैल्यू कहा था, वैल्यू ऑफ बेनिफिट। सर वैल्यू का क्या मतलब होता है, फिलहाल तो समझना जो हमने अमाउंट पे किया, लेकिन इसका मीनिंग अभी आगे आएगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, मैं आगे के कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस नहीं कर सकता। अभी तो इतना समझना कि भैया मशीन है, हमें 5 साल डेप्रिशिएट करना है, तो 5 साल में उसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। आई बात समझ में? और हाँ, एक अच्छा चीज क्या मिला, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है। आज की क्लास में अगर हम पिछली क्लास और आज की क्लास में कुछ बात करें तो एक नया वर्ड दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस अभी पेबल है, पे करना है, और प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जो हमारा एसेट्स होता है जिसका बेनिफिट अभी हमें आगे लेना है। डेप्रिसिएशन तो पहले बार भी हमने, पिछली बार भी हमने सीखा था, कोई नई बात आपके लिए यहां पे नहीं है। मैं इसको मिटा दूं सर? हाँ सर हाँ। लेकिन सर, एक काम करोगे, पूछो ना, पूछो तो आप जरा सर, ये डेप्रिसिएशन पे एक दो क्वेश्चन और करा दो ना, ये वर्ड बड़ा प्यारा लग रहा है सर, ये वर्ड सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा है सर, करा दो ना एक दो वर्ड, आओ जरा कराता हूं फिर, आओ, आप तो जो बोलो वो कराने को तैयार हूं, बस आपकी बात मैं मानूंगा, मेरी बात आप मानना, हम दोनों एक साथ चलेंगे, क्लास में टॉप पे हम ही रहेंगे, हमारे सिवाय किसी को होने का औकात ही नहीं है, ये याद रखना। ठीक है सर, ठीक है, लीजिए मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर आता हूं। लिखो जरा एग्जाम्पल, यहां पे नंबर लिखना छोड़ ही दिया, पता नहीं कौन सा नंबर होता है, लिखो यहां पे, कहता है कि आपका ऑन 1st January 2018 कहता है कि आपका कॉस्ट ऑफ मशीन, परचेस्ड, ₹3 लाख। ये कहना चाहता है कि आपने 10 लाख का एक मशीन परचेज किया 1st January 2018 को। फिर कहता है कि डेप्रिसिएशन कहता है, इस बार कहता है मान लो 20% पर एनम है, मतलब इसने लाइफ ही सब नहीं बताया कितना लाइफ है, कुछ नहीं बोलता भैया 20% डेप्रिशिएट करो, मतलब हर एक साल हमारा जो मशीन है, जो हमारा एसेट्स है, वो 20% से डेप्रिशिएट होता है, ये ऐसा कहना चाहता है। तो 1 तारीख को आपने क्या किया, एक मशीन परचेज किया जो 10 लाख का है और डेप्रिसिएशन का है कि आपका 20% पर एनम है। बोलता है यहां पे, आपका कहता है
कि कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मशीन मशीन एट द एंड ऑफ 2018 बोलता है कि बताओ 2018 के अंत में यानी कि 31 दिसंबर को मशीन की कितनी वैल्यू बच जाएगी। तो सॉल्यूशन देखो, इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पर ईयर आपका कितना निकल के आता है। डेप्रिसिएशन सुनो तो 10 लाख का मशीन है, 10 लाख का मशीन है, जरा बताओ 20% के हिसाब से ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2 लाख। इस बार ईयर ना बता के कहता भैया 20% चार्ज करो, पर बच्चे मतलब कि 20% आपका जो होगा हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, यानी कि 2 लाख का अमाउंट। आप जानते हो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, यहां पे एक्सपेंस, जिस वैल्यू को यूज कर चुका हूं। तो अगर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की कितनी वैल्यू बच गई एज ऑन 31st December 2018, यानी कि 2018 में, तो मेरे बच्चे 10 लाख में से जरा बताओ जो वैल्यू आपने यूज कर लिया वो कितना है आपका, 2 लाख, है ना। 10 में से 2 लाख यूज कर लिया, कितना बच गया आपका यहाँ पे, 8 लाख का अमाउंट। तो ये 8 लाख हमारा क्या हुआ, मशीन की वैल्यू निकल के आ गया बच्चे, मशीन की वैल्यू निकल के आ गया। आप प्लीज इसकी कॉपी कर लें, इसकी कॉपी कर लें। सर ये तो हो गया, सर ये हो गया पक्का, सर हां। तो फिर मैं एक काम करूं, क्या एक क्वेश्चन आपको दूं, सर दो ना सर, हम भी देखें क्या आप देना चाहते हो। आओ जरा मुझे जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए थे आपके लिए उसमें से अब मुझे जो समझाने वाला पॉइंट है, एक तो मुझे अभी आपसे ना एक बातें और करनी है। मशीन की तो पॉइंट हमने कर लिया आपका डेप्रिसिएशन का लेकर, मुझे एक पॉइंट और आपसे बात करनी है, और उसके अंदर पता है मैं क्या करने वाला हूं, पता है आपको, बोलो ना पता है आपको, नहीं सर हमें कैसे पता होगा। तो आओ जरा मैं कैपिटल ड्रॉइंग्स की बात आपसे कर लूं, लिखो जरा यहां पे एक एग्जांपल और, एग्जांपल आपका यहां पे और कहता है क्वेश्चन में। अब बच्चे इनसे हट रहा हूं मैंने, आज देखो आपको क्या क्या बता दिया, आज आपको क्या क्या बता दिया। एक तो मैंने वर्ड आपको दिया जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है जरा बताइए। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिसका मतलब जो अभी हमें पे करना है, यही कहा था, लिखा नहीं आपको, सुन लो रिवीजन करा रहा हूं, जो पेबल आपका है ना। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने दिया, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया है, हमने इसको क्या कहा था आपका, एसेट्स आपका होता है। एक वर्ड आपने डेप्रिसिएशन देखा कि ये कैसे वैल्यू पे कम ज्यादा किया जाता है, और फिर बस आप आओ जरा एक चीज और सुन लो यहां पे, लिखिए मेरे साथ एक एग्जांपल और आपका यहां पे कहता कि 1st January 2000 आपका 18 को कहता है कि राम इन्वेस्टेड रुपीज 20 लाख इनटू द बिजनेस। बच्चे बिजनेस में इसने क्या किया, यहां पे 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। ये कहानी कब हुई आपका, 1st January 2018 को। फिर कहता है यहां पे ऑन 1st April 2018, ध्यान से लिखेंगे आप यहां पे, राम अगेन इन्वेस्टेड ₹5 लाख इनटू द बिजनेस। इसने बिजनेस में बच्चे फिर से 5 लाख रुपए लगाए, पहले 20 लाख लगाए थे, 5 लाख और लगा दिए। फिर कहता है वो कि ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंस का मतलब होता है घर के लिए, घर में भूख लगती है ना बच्चे उसको, अरे भूख लगती होगी ना,
भूख लगती है, उसको खाना खाने का मन करता है, उसको पानी पीने का मन करता है, मूवी जाने का मन करता है, दोस्तों के साथ घूमने का मन करता है, बहुत सारे मन उसको करते हैं, बहुत सारे मन करते हैं। तो वो सारे काम को करने के लिए उसने क्या किया, परमन 10,000 निकाला उसने। फिर कहता है वहां पे, फिर कहता है वो ही ऑल्सो पेड रुपीज 2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर हिज पर्सनल रेजिडेंस। ध्यान से इस बार क्वेश्चन आपको कहता है, वो पर्सनल मतलब बिजनेस का रेंट नहीं बच्चे, वो जिस घर में रहता है ना वो रहता है, उसके बाल बच्चे रहते हैं, उसका रेंट पे किया 2,000 रुपए। कहता है ही ऑल्सो पेड रुपीज 25,000 ट्यूशन फीस फॉर हिज चिल्ड्रेन। उसके जो बच्चे हैं उनका उन्होंने क्या किया, 25,000 रुपए का ट्यूशन फी भी पे किया। ऐसा क्वेश्चन वो कह रहा है कि राम ने 20,00,000 रुपए पहले लगाए, फिर उसने 5,00,000 रुपए लगाए, उसने 10,000 क्या किया जी बिजनेस में से निकाला, हाउस होल्ड यानी घर के लिए, घर का रेंट पे किया। कहता कि उसने 25,000 रुपए ट्यूशन फी पे किया। कहता ही ऑल्सो गिफ्टेड कहता कि डीवीडी देते ना जो मूवी दिखता है, डीवीडी ऑफ रुपीज 10,000 टू हिज फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड को आपका 10,000 का डीवीडी भी परचेज किया और उसने क्या क्या गिफ्ट कर दिया। ये सारे पैसे वो कहां से निकाला होगा सर, बिजनेस से तो निकालेगा, और कहां से निकालेगा, बिजनेस की बातें यहां पे हो रही है, ठीक है। फिर कहता है ही ऑल्सो परचेज्ड कार लेकिन कहता है फॉर द बिजनेस के लिए ध्यान रहे वो बिजनेस कह रहा है, वो घर के लिए नहीं कह रहा, बिजनेस के लिए, ठीक है। बोलता कि कैलकुलेट नंबर वन ओपनिंग कैपिटल आपसे पूछ रहा है, ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है बच्चे कि साल के बीच में उसने और कितना पैसा बिजनेस में डाला, टोटल ड्रॉइंग्स उसने जो ड्रॉइंग्स किया है टोटल वो भी आपसे पूछता है कितना आपका हुआ, और चौथा कहता है कि जरा बता दो कैपिटल एट द एंड में उसका कैपिटल कितना बचा होगा। चार सवाल उसने आपसे पूछ दिए, चार सवाल। आओ एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएं। नंबर वन पहले लिख दो आप यहां पे एक बार दोबारा, मैं कुछ बातें आपको अंडरलाइन कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक तो उसने 20,00,000 रुपए ये स्टार्टिंग में पैसा डाला, स्टार्टिंग में बच्चे, जो पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना वो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। ओपनिंग मतलब शुरुआत में, इस साल के स्टार्टिंग में या बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आपका कैपिटल कितना था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। कितना बता रहा है आपका 20 लैक्स, ये 20 लैक्स आपका हो गया। फिर वो कहता है जरा बता दो एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल मेरे बच्चे, एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि अगर साल के बीच में आपने कुछ और भी पैसा बिजनेस में डाला हो हम उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। देखो ना साल के बीच में फिर से आपने 5 लैक्स बिजनेस में डाला, तो जो 5 लैक्स आपने बिजनेस में डाला हम इस 5 लैक्स को क्या बोलेंगे यहां पे, आपका एडिशनल कैपिटल। लीजिए आपका एडिशनल कैपिटल कितना हो गया, 5 लैक्स का अमाउंट, आपका 5 लैक्स का अमाउंट। और सुनो पॉइंट नंबर 3 में आपको बता रहा हूं अब यहां पे ड्रॉइंग्स हमारा कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। वो कहता बताओ टोटल ड्रॉइंग्स आपका कितना है, ड्रॉइंग्स मतलब जो बिजनेस से निकाला। देखो एक तो बिजनेस से जो भी पैसा निकालो पर्सनल काम के लिए, घर के लिए, वो सब ड्रॉइंग्स होता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस ड्रॉइंग्स आपका है। रेंट जो हमने पे किया ध्यान दीजिए वो भी पर्सनल रेजिडेंस का है, घर का बच्चे, ये भी ड्रॉइंग्स है। ट्यूशन फी पे किया आपने बच्चे के लिए, ये भी आपका ड्रॉइंग्स है। और जो आपने दोस्त को गिफ्ट दिया वो भी आपका ड्रॉइंग्स है। सब कोई भी काम जो पर्सनल करते हो, हमने पिछली क्लास में बताया था पर्सनल काम जितने सारे करते हैं सब आपके ड्रॉइंग्स कहे जाते हैं। तो मेरे बच्चे ड्रॉइंग्स में अगर कोई बोले तो बोलना, एक तो आपका हाउस होल्ड
हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए जो हमने पैसे निकाले, बताओ कितना निकाला? सर 10,000 कहता है कि पर मंथ, तो एक साल की अकाउंटिंग हो रहा है, यानी कि सर 1,20,000 रुपए इसने विड्रॉ किए। एक तो वो ड्रॉइंग्स हो गया। फिर सर रेंट जो पे किया, रेंट घर का नहीं, फॉर रेजिडेंस, मतलब उसके अपने रिहायशी का, अपने घर का जिसमें वो रहता है, वो कहता है सर 2,000 पर मंथ है। पर बच्चे 2,000 के हिसाब से 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल की अकाउंटिंग हो रहा है, 24,000 का अमाउंट हो गया। अब देखो बेटे का, बच्चे का ट्यूशन फी पे किया है, तो ट्यूशन फी ध्यान दीजिए यहाँ पे पर एनम नहीं बोल रहा, अब पर मंथ नहीं बोल रहा, ये कहता है कि 25,000, यानी कि पूरा 25,000 आपने पे किया होगा। और देखो गिफ्ट भी जो दिया है ना, डीवीडी आपका गिफ्ट जो दिया है, गिफ्ट टू आपका फ्रेंड, ऐसा थोड़े कि हर एक महीना दूंगा, वो कह भी रहा है पर मंथ नहीं है, 10,000 का एक डीवीडी परचेज किया और आपने उसको गिफ्ट कर दिया। अरे बताओ हर एक महीना डीवीडी देके क्या करूंगा, एक ही डीवीडी काफी होता है, हर एक महीना क्यों दूंगा दोस्त को। तो बताओ ड्रॉइंग्स कितना हो गया सर, ऊपर का तो 2 मिला के 144 हो गया और नीचे में सर 35 हो गया, तो सर ये अमाउंट 1,79,000 का आ गया ड्रॉइंग्स का आपका। ठीक है, ड्रॉइंग्स भी हो गया, बच्चे ड्रॉइंग्स भी हो गया। आओ जरा चौथा सवाल बोलता है कि बताओ आपका कैपिटल एट द एंड कितना है। कैपिटल एट द एंड, साल के एंड में आपके पास कैपिटल कितना बचा होगा। देखो ना, एंड का कैपिटल का मतलब होता है कि जो ओपनिंग कैपिटल है ना बच्चे, एक तो वो लीजिए ओपनिंग, मतलब जरा बताओ स्टार्टिंग में, सब रटना नहीं, बस समझने वाली बात है, रटू क्यों। अरे 20 लाख के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर हमने एडिशनल कैपिटल और भी पैसा बिजनेस में डाला, तो जरा बताओ और हमने बिजनेस में कितना डाला जी, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख से इसको और बढ़ा दो, 5 और बढ़ा दो, तो 20 + 5 25। और हाँ, हमने बिजनेस से विड्रॉ भी तो किया, ड्रॉइंग्स, अगर बिजनेस से कोई पैसा निकाला है तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। अरे जब बिजनेस में पैसा डालूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल कम हो जाएगा, ड्रॉइंग सबका हो गया। तो बताओ जरा अब आपका कैपिटल एंड में कितना आ गया, बताओ जरा कैपिटल जो आपका निकल के आया एट एंड वो कितना निकल के आया सर। 25 लाख में से अगर इसको माइनस करें ना सर, तो पता कितना आएगा सर, बोलो ना, बोलो ना, ये सर 23,21,000 का अमाउंट निकल के आया। लीजिए हमने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया, लो हमने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया, लो ना हमने क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल दिया, इस तरीके से काम हमारा पूरा हो गया। तो ये चारों काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओपनिंग, एडिशनल, ड्रॉइंग्स एंड क्लोजिंग कैपिटल, यही क्वेश्चन ने पूछा था। आज पता नहीं क्या हो गया है, जैसे जैसे समय चल रहा है अपने आप ये सारी बातें खत्म होते चली जा रही है, अपने आप, अपने आप। चलो चलो, जब अब बात जब आगे बढ़ी गई है तो मैं कुछ और भी बातें कर लूं आपसे, आप कहो तो मैं इसको हटा दूं। और हाँ, आप चिंता नहीं करना, ये वर्ड जिसपे मैं मास्टरी करा रहा हूं न्यूमेरिकली आपको, ये वर्ड्स अभी आगे आएंगे बच्चे, बार बार आएंगे, पूरे अकाउंटेंसी में आएंगे, अभी से लेकर अंत तक, जब तक आपका अकाउंट्स आपके साथ रहेगा तब तक ये नाम हर एक लेवल पे आपका यूज किया जाएगा। तो हमें इसकी मास्टरी करनी ही पड़ती है, तभी अकाउंट हमें समझ में आता है, तभी हमें समझ में आता है। लीजिए मैं इसको मिटा दूं और फिर मैं अब आगे आपको बढ़ाऊं, लो मैं इसको मिटाऊं और थोड़ा सा मैं आगे आपको बढ़ाऊं, लो मैं इसको मिटाऊं और थोड़ा सा आगे आपको बढ़ाऊं। ठीक है, थक गया, थक गया बच्चे, आपको पढ़ाना, मतलब मैं जब मेरी क्लास सीएस की चलती है तो उतना एफर्ट नहीं लगता जितना कि आपको पढ़ाने में लगता है। सर ऐसा क्यों लगता है सर? क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे पहले पढ़ाते समय अपने माइंड को आपके लेवल में लाना पड़ता है। उनका माइंड, मतलब जो सीएस के बच्चे होते हैं, वो तो माइंड उनका थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो मेरे माइंड से माइंड उनका जल्दी मिल जाता है। अब जरा सोचो, ये छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको समझानी पड़े, तो मुझे पहले छोटा बनना पड़ेगा ना, इसलिए मैं अपने दिमाग को पहले, मैं छोटा, जब मैं क्लास लेने आता हूं तो पहले मैं इसको खोलता हूं यहां से, बच्चे मेरा यहां ना कवर लगा हुआ है, आपको शायद अभी दिखेगा नहीं, बट मैंने यहाँ कवर लगाया हुआ है, और सुबह सुबह जब आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग करना होता है तो पहले इस कवर को खोलता हूँ और माइंड को प्रेस करके छोटा करता हूँ, बिल्कुल छोटा करता हूँ आपके लेवल तक, फिर उसको ढक देता हूँ, फिर क्लास लेने आता हूँ। बात समझ में आ रही है? सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बच्चे, मैं कभी मजाक नहीं करता, कसम से बोल रहा हूँ, कभी मजाक नहीं करता। मजाक करने थोड़े खड़ा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, मजाक करने थोड़े चिल्ला रहा हूँ मैं आपको, मुझे तो आपको पढ़ाना है।
तो मैं आपके अपने माइंड को पहले आपके लेवल तक लेकर आता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। आए बात समझ में सर? हाँ सर, हाँ। आगे बताओ सर। आप ना ऐसे बस जब आप बोलते हो ना सर ये सब बातें, हम सर हाथ लेते लपटना शुरू करते हैं ऐसे ऐसे। आप पता नहीं क्या क्या बोलते हो, हमारा पूरा का पूरा ये भर जाता है सर, लेकिन आपकी बातें उल्टी सीधी खत्म नहीं होती। आप बात ही नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा। चलो कोई बात नहीं, आओ जरा एक और चीज आपका लिखो एग्जाम्पल। कहता कि कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब जरा बताओ टोटल रेवेन्यू कितना होगा। नीचे कहता है कि कैश सेल्स, कैश सेल्स हमने 8 लाख का किया है, 8 लाख का वेब सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस। जब इस सेल बोलूंगा तो गुड्स का मानेंगे, याद रखना। फिर कहता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स हमने जो क्रेडिट सेल्स किया है वो कहता है कि 3 लाख का। फिर कहता है कि सेल ऑफ स्क्रैप, हमने स्क्रैप बेचे। स्क्रैप बिजनेस में हमेशा निकलता बच्चे, हमेशा आपके घर में भी तो निकलता है, ये बिजनेस का ही माना जाता है। कहता है कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट ऑन आपका इन्वेस्टमेंट, जो पैसे बिजनेस में ज्यादा बच गए थे वो हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था और उसमें 30,000 का हमने क्या क्या इंटरेस्ट कमा लिया। एक बात बताऊं, एक बात सुन लो, आपसे बात कर रहा हूं। आप जब बड़े बच्चे हो जाओगे, कल को अगर मन करता है कि मैं बिजनेस करूं और टाटा बिरला को पीछा करूं, मतलब मैं आगे निकलूं, तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, एक बात बस, आपको आपको बिजनेस में एक पैसा भी आइडल मत छोड़ना। अगर पैसा आपके बिजनेस में कहीं बैठ गया, आपके तिजोरी में, चाहे आपके जमीन के अंदर, चाहे कहीं पर भी आपने छिपा कर रख दिया, तो बिजनेस ग्रो नहीं करता। बिजनेस को ग्रोथ पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, पैसे को मल्टीप्लाई करना होगा, पैसे को यूज करना होगा। इस कंपनी ने भी वही काम किया, जो पैसा बच गया था बिजनेस में उसको शायद उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उस पर उसने इंटरेस्ट कमा लिया। इंटरेस्ट कमाते ना बच्चे, अगर पैसा कहीं हमने एफडी भी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, तो हम इंटरेस्ट कमाएंगे, आपका वही कमाया यहां पे। फिर कहता है कि सेल ऑफ मशीन, हमने मशीन बेचा और उस पर भी कहता है कि 20 लाख रुपीज हमारे पास आ गए, 20 लाख रुपीज, ठीक है। फिर कहता है कि हमने फर्नीचर भी बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, कहता है कि हमने फर्नीचर भी बेच दिया और उस पर मतलब क्या कहता है कि 7 लाख रुपीज आ गया। बोलता बताओ रेवेन्यू कितना है। आप जरा याद करो, याद करो, या एक काम करो, आप याद नहीं करते, आप जल्दी से पीछे पेज को पलटो और देखो मैंने रेवेन्यू का मतलब क्या बताया था। देखो ना, देखो ना, देखो ना जरा रेवेन्यू का मतलब क्या बताया था। अरे पीछे पेज तो लेकर आओ, जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है, जरा पीछे पेज तो लेकर आओ, देखो तो रेवेन्यू का मतलब क्या बताया था। हमने कहा था रेवेन्यू का मतलब कि जो आपने रिसीव कर लिया या जो रिसीवेबल है, रेवेन्यू रिसीट्स की बात कर रहा हूं। आप देखो लिखा था मैंने रेवेन्यू रिसीट्स को ही रेवेन्यू हमने कहा था। हमने कहा था कि जो पैसा रिसीव कर लिया या जो पैसा रिसीव करना बाकी है, जो रिसीव कर लिया, जो पैसा रिसीव करना बाकी है, वो सभी हमारे रेवेन्यू होते हैं, बट हाँ वो सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से आने चाहिए। सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचकर या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, या फिर इंटरेस्ट कमाया कोई हमने, या कोई स्क्रैप बेचा तो उससे जो पैसे आ गए, हम उसको बोलते हैं आपका रेवेन्यू। याद रखना, जिसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था, मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, अगर उनसे कोई पैसा आएगा तो वो हमारा रेवेन्यू नहीं होता। मैंने कहा है, आप शायद पीछे आप देख लो आप, कि जिनको हमने मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उनको बेच के जो पैसा आएगा हमने उसको कैपिटल रिसीट्स का नाम दिया था, कैपिटल रिसीट्स का। मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं रेवेन्यू निकालूंगा तो मशीन का बेचना और फर्नीचर का बेचना हमारा रेवेन्यू नहीं कहा जाएगा, ये तो हमारे कैपिटल रिसीट्स कहे जाते हैं, कैपिटल रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स जो आपके, उनको बिल्कुल हमने अलग किया था रेवेन्यू रिसीट से, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स। याद कीजिए आप, देखो रेवेन्यू रिसीट्स को ही हमने क्या बोला था जी, रेवेन्यू आपका। तो मेरे बच्चे, अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है सॉल्यूशन में, तो पता मैं क्या करूंगा, एक तो कैश सेल्स, जो हमने कैश पे गुड्स बेचा ना, ये हमारा इनकम है, ये आपका निकल के आया। हमने क्रेडिट सेल्स किया, वो भी आपका निकल के आएगा, क्रेडिट सेल्स आपका, है ना, ये भी सर पैसा आया तो नहीं, हमने कहा तो था आए चाहे ना आए, हमारा सेल तो है इस बार। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया आपका, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना हो गया जी आपका, 11 लाख रुपए का अमाउंट।
11 लैक्स। फिर आपने क्या करना, इसमें ऐड कर देना सेल ऑफ स्क्रैप, छोटे मोटे रिसिट्स रेवेन्यू माने जाते हैं हमेशा, कितना जी 40,000 का अमाउंट। और फिर आपका यहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जरा बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बता रहा है, 30,000, है ना बच्चे। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट कमाया ना, ये तो हमारा इनकम होता है, मैंने लिखा था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रेवेन्यू होगा। तो ये 11,70,000 आपका हो गया, जिसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। ये हमारा टोटल रेवेन्यू आपका होता है, रेवेन्यू मतलब जिसमें से एक्सपेंस को माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर मैं ज्यादा जोर ना दूं, तो हमने कहा था भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो पैसा आता है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, उनको छोड़ दो, बाकी को रेवेन्यू कहा जाएगा। स्क्रैप बेचना, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाना, आपका गुड्स को बेचना, कुछ कमीशन रिसीव करना, फीस रिसीव करना, ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स कहे जाते हैं बच्चे, यानी कि इनकम कहे जाते हैं, सॉरी रेवेन्यू कहा जाता है। आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ। तो मेरे बच्चे आज हमने क्या किया, जो हमारा टारगेट था मैंने वो पूरा कर लिया आपका, ये काम हमारे पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपको वहां पे छोड़ के जा रहा हूं जहां पे दो वर्ड पे हमने जबरदस्त मास्टरी किया है, एक तो आपका एक्सपेंस और एक आपका एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स। मैं आपको बताऊं कल की जो हमारी क्लास होगी ना, मतलब अगली जो क्लास होगी, मुझे आपको मास्टरी कराना है, एक वर्ड होता है लाइबिलिटी, एक वर्ड होता है आपका कैपिटल, और एक वर्ड होता है आपका इनकम। इस तीन, इनकम ना कह के आप छोटे बच्चे, इसलिए मैं इसको रेवेन्यू कहूंगा। तो इस तीन वर्ड पे मेरे बच्चे मास्टरी कराऊंगा। क्यों सर, मास्टरी हो तो गया ये आपका? नहीं बच्चे नहीं, ये तो आम बच्चे भी जानते हैं, ये तो आम मतलब जो बच्चे होते हैं सभी जानते हैं। जो चीज आपको बताऊंगा यहां पे वो हीरा होगा, एक एक वर्ड एक एक हीरे के बराबर होगा, वो हीरा मैं आपके पास डालूंगा और मेरे मुख से निकलेगा और सारे हीरे आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे, और देखना पूरा बॉडी आपका हीरे हीरे हो जाएगा। आप यहां भी देखो हीरा, यहां मतलब पापा मम्मी को बोल देना कि मुझे संभाल कर रख लो, मैं हीरा बन चुका हूं। सर ने कहा है हमसे ज्यादा आप उल्टे सीधे काम नहीं कराना, हम तो आगे बहुत बड़े बनने वाले हैं। हीरा बेशकीमती होता है, वही आपको बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बच्चे, इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट की बात होगी, मस्ती करेंगे। अभी बुक को आपको टच नहीं करना, किसी भी टीचर किसी भी भैया किसी भी बहना की बात आपको नहीं माननी है, बस आपको मेरे साथ चले चलना है। 7 से 8 क्लास का आपने कमिटमेंट किया है, अभी चार तो क्लास अभी हुए हैं, अभी चलने दो मुझे अपने साथ, अपने आप को आपके साथ लेके चलने के, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा।